हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सफ़ेद वाले चने का छोला बनाने चल रहे हैं। ये हमने रात में भिगोया था और इसको हम बॉयल कर लिए हैं। ये आलू है, ये हम टमाटर काट लिए हैं और ये मेरा गरम मसाला है, इसको हम पीस लिए हैं। लहसुन और मिर्चे अदरक का पेस्ट बना लिए हैं। ये हमारा छोला मसाला है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मिर्चा पाउडर, हम इसको बनाने चल रहे हैं। ये हमारी कढ़ाई गरम हो रही है। ये तेल हमने डाल दिया है इसमें। तेल हमारा गरम हो रहा है, हम इसमें तेज पत्ता डालने चल रहे हैं। हम इसमें छोटी इलायची डाल रहे हैं और ये हल्का सा गोल मिर्च, दालचीनी है, जीरा डाल रहे हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, छोटे छोटे पीस कर लिए थे। मसाला हमारा तैयार है, इसमें हम थोड़ा पानी डाल के मिला ले रहे हैं। सारे मसाले को हम मिला ले रहे हैं अच्छे से। हमारा प्याज हो गया है लगभग, अभी इसमें मसाला डालेंगे। ये मसाला हमारा देखिए पक रहा है इस तरह से, इसमें से तेल हल्का हल्का छोड़ने लगा है। तो हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को थोड़ी देर हम गलाएंगे इसमें मसाले में। गैस हम लो कर दिए हैं थोड़ा। ये हमारा मसाला और टमाटर अच्छी तरीके से दोनों पक गया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें चना डालेंगे और थोड़ा सा आलू डालेंगे, इसको मिलाएंगे। थोड़ी देर मिला के तो इसको हम ढक देंगे। ढक देते हैं। ये हमारा चना भी पक गया है, इसमें इस तरफ देखिए कढ़ाई पक रहा है, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी थोड़ा और डालेंगे ही पक, हम इसमें नमक डालेंगे। इसको हम ढक देते हैं पकने के लिए थोड़ी देर। इस तरह हमारा छोला बन के रेडी हो गया है, ये देख लीजिए। अब इसको हम प्लेट में निकालने चल रहे हैं। हमारा धनिया भी इसमें मिला दिए हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से हम बनाए हैं, अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।